आपने भगवान जाने किया नहीं किया, हमसे बचपन में ऐसा खूब करवाया गया था कि दूज आती है ना, दूज शुक्ल पक्ष की एकम निकली, एकम के बाद क्या ही दूज, तो दूज वाले दिन मम्मी पकड़ पकड़ के चांद दिखाती कि दूज का चांद नया चांद है, ये देखना चाहिए। तो केवल तो मम्मी पकड़ गया, भाई इधर आओ, चांद देखो, हाथ देखो, हाथ जोड़ो चांद के, तो चांद के हाथ जोड़ते, और कविता और बोला करते थे, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे, घाबे घाबे जानते हो कपड़े, तो चांद मामा नया नया। अच्छा चांद मामा है, और पहले क्या कपड़े मामा जी करवाते थे, कपड़े दिलवाने का जो काम था वो किसका था भाई, मम्मी 12 महीने में एक बार पीहर जाएगी, उसमें अपने कपड़े लेके आएगी, बच्चों के कपड़े भी लेके आएगी, पापा का कोई कर्तव्य नहीं है कपड़े दिलाने का, पापा के कपड़े भी ननियाल वाले ही बेचते थे, है ना। तो वो समाजवाद और था उस टाइम, तो भाई मम्मी के 5 7 10 जितने सूट है मामा जी ने वो करवा दिए, वैसे हम 2 भाई थे हमारे और पापा के, फिर वो एक साथ थान फड़वाते, भाई 3 दे दो, तो पापा के वैसे मेरे ही वैसे छोटे बड़े भाई के भी वैसे, सिलवाते भी साथ ही थे, तो पापा वाला तो फिर भी था कि पापा उस दिन नहीं पहन के जाते, पर हम तो चूंकि सिलवा के लाते उसी दिन पहनने, तो दोनों भाई साथ में पहन के जाते, फिर गांव में जो मिलता वो कहता ननर जाके आए गए, ननियाल से आए थे क्या, तो कि हाँ ननियाल जाके, आपको कैसे पता चला ननियाल गए, कपड़े सेम सेम पहन रखे हैं, तो सेम सेम कपड़े का मतलब ही था कि आप कहाँ जाके आए हो, ननिहाल जाके आए, तो ननिहाल वालों का कर्तव्य था कि वो आपको क्या सिलवा के दे कपड़े। अच्छा ऐसा नहीं कि पापा कंजूस है, पापा अपने बुआ वाले बच्चों को करवाएंगे, अपने बुआ वाले बच्चे भी तो अपने आएंगे, तो उनका ननिहाल अपने है तो अपने उनको करवा के देंगे, तो ये तो साइक्लिक ऑर्डर में घूमेगा, वो अपने ननिहाल से लाओ, अगले अपने बहन बेटियों को दो, तो घूमता रहता था ऐसे। अच्छा तो वो चांद के लिए कविता गाते, वो चांद मामा घाबा देर नया नया घाबा, दूज वाले चांद को कब करते, अब दूज के बाद निकलती तीज, और तीज के बाद क्या आती चौथ, चौथ वाले दिन मम्मी पकड़ती इधर आ रहे, सुबह सुबह सबको याद कराती आज चांद मत देख लेना, और आज चांद देख लिया ना तो चोरी का आरोप लग जाएगा, चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, पर टाबरों को जिन चीजों के लिए मना किया जाता वो करना ज्यादा जरूरी होता था, तो शाम को जैसे ही चांद आता धीरे धीरे देख देना, ए छोटे वाला भाई ने कोई कहता मैं मम्मी को शिकायत लगाऊंगा, देखा नहीं थोड़ा सा देखा था, थोड़ा सा पूरा नहीं देखा मैंने तो पूरा, घर वाले कूटते और चौथ के चांद के चक्कर में, तो कहा गया भाई चौथ का चांद देखना नहीं, इसका मतलब चौथ का चांद मतलब शुक्ल पक्ष का चांद, शुक्ल पक्ष में आएगा, जितना शुक्ल पक्ष में 12 चौथ आती है वो तो चांद देखना ही नहीं, चांद नहीं देखना तो व्रत हो ही नहीं सकता।